कहती हूँ, मुझे आज गांधी व पटेल की धरती पर आने का सौभाग्य मिला, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं प्रवाही था पहले गुजरात का, तब मैं करीब 10-12 महीने रहा यहाँ पर। दीपावली भी मैंने गुजरात में मनाई, पूरा कैंपेन राहुल गांधी जी ने बहुत शानदार किया असेंबली चुनाव में, और माहौल ऐसा बन गया कि हम चुनाव जीतेंगे। और जैसा आप जानते हैं कि जिस प्रकार से असत्य बोल करके, भावात्मक भाषण दे करके, लोगों को गुमराह कर करके जो माहौल बदला गया और व्यापारी लोग डर गए, पता नहीं मोदी जी हमारा क्या कर देंगे, GST है, CBI, ED, इनकम टैक्स, वो डर के मारे सूरत तो भी साथ दे गया। 40 दिन तक वहाँ स्ट्राइक चली हो, बाजार बंद रहा हो, 1-1 लाख की वहाँ रैली हो रही हो, और लोकतंत्र जमहूरियत में खुली हवा में सांस ले लो, दिल की बात दीवान पे लाए, कोई भय नहीं हो, घृणा नहीं हो, नफरत नहीं हो। राहुल गांधी जी कहते हैं हमारे किसी अदावत नहीं है, ये राजनीति है, लोकतंत्र है, जो कांग्रेस का दिया हुआ सिस्टम है देश के अंदर। गांधी जी के वक्त में पंडित नेहरू थे, सरदार पटेल थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, अम्बेडकर साहब ने मनाया संविधान, तब से चला आ रहा है सिस्टम। और इसमें कायदा होता है, ऐसी मीटिंगें करो, हर पार्टी वाले अपनी अपनी बात कहो, उपलब्धियाँ बताओ, आगे क्या करोगे वो कार्यक्रम बताओ, और वोट मांगो, जनता जिसके पक्ष में फैसला दे, माई बाप आप होते हो, वो फैसला सबको मंजूर होता है, ये कायदा। तो मोदी जी की राजनीति अमित शाह की राजनीति से हट करके है, वजह इसके कि वो मुद्दा आधारित बात करे। कभी पहले गौ माता की बात करते थे, उनको छोड़ दिया, अब चुनाव आते इनको राम मंदिर याद आता, हिंदू की बात करने लग जाएंगे, क्या हम लोग हिंदू नहीं हैं? बात करेंगे देशभक्ति की बात करेंगे, क्या हम राष्ट्रभक्त नहीं हैं, देशभक्त नहीं हम लोग? सेना की बात करें, अरे सेना पे घर आज नहीं, जब से आज़ाद हुआ मुल्क तब से ही सेना पर पूरे मुल्क को गर्व है। 62 की लड़ाई हुई थी चाइना के साथ में, कितने लोग हमारे शहीद हुए थे। 65 की लड़ाई हुई, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा जय जवान जय किसान का नारा दिया था। 71 की लड़ाई हुई, बांग्लादेश को आज़ाद करवाया इंदिरा गांधी के जमाने के अंदर सेनाओं ने। 93,000 उनके कर्नल जनरल नियाजी के नेतृत्व में मेजर सैनिकों ने अपने हथियार डाल करके सरेंडर किया हमारी आर्मी के सामने, क्या वो गर्व करने पूरा मुल्क ने गर्व किया? अरे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा विपक्ष में कि इंदिरा गांधी नहीं, ये दुर्गा का रूप है, ये भी जमाना हमने देखा है। ये क्या बात करते हैं? खालिस्तान नहीं बनने दिया, पाकिस्तान पंजाब अलग करने की बात करते थे आतंकवाद, कितने हिंदू मारे जाते थे हमारे रोज के, आप पढ़ते होंगे उस जमाने में। कार्रवाई करी इंदिरा जी ने, उनको मालूम था मेरी जान जा सकती है, मैं उनका मंत्री था उस वक्त में, उन्होंने मुझे भी कहा था, और मरने के एक दिन पहले उड़ीसा में कहा उन्होंने कि मेरी जान चली जाएगी तो परवाह नहीं, तो मेरी जान जाएगी तो मेरे खून का एक एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा, ये कहा था। आप बताइए, अरे पंडित नेहरू ने आराम हराम है, बड़े बड़े बांध, कल कारखाने, इस्पात के जाल बिछा दिया, IIT जो संस्थान आज एम्स उस जमाने के बने हुए हैं, जब उस पर नींव पे खड़ा है हमारा देश, पर कोई अहम घमंड में कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा, और रहना भी नहीं चाहिए। मोदी जी हमारे हैं, पता नहीं किस माटी के बने हुए वो, तो वो अहम घमंड में चल रहे हैं। कोई उनको पूछे कि पिछले चुनाव में सरकार बनाई आपने, तो वोट कितना है आपको, 100 में से 31% वोट मिले मोदी जी को, 69% वोट खिलाफ पड़े मोदी जी के, सरकार बन गई अलग बात। उनको समझना चाहिए कि 69% हिंदुस्तान की जनता आदि मेरे खिलाफ वोट दिए हैं, मैं विपक्ष को साथ लेके चलूँ। लोकतंत्र में विपक्ष होता है, आलोचना करता है, आम इंसान कर सकता है, प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की, मंत्री की, MLA की, MP की, सरपंच की, कायदा होता है,
और उसकी बात सुनी जाती है, हो सकता है उसकी बात में कुछ दम हो, तो सत्ता में बैठे व्यक्ति को वो काम करना चाहिए जनता के लिए, कोई गवर्नमेंट अहम बीच में नहीं आना चाहिए। और ये लोग तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक बार इंदिरा गांधी का नाम 5 साल ने लिया मोदी जी ने, पंडित नेहरू का नहीं लिया, बल्कि नीचे स्तर पर नौजवान पीढ़ी को भड़का रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से पंडित नेहरू के बारे में। 12 साल तक जेल में रहे होंगे पंडित नेहरू, अब कल्पना करो। इस तरह से ये मुल्क चल रहा है। मैं आपसे अपील करूंगा कि हमेशा हमें गर्व रहा है कि देश आज पहुंचा है जहाँ पर। मोदी जी कहते 70 साल में क्या किया, अरे जब आज़ाद हुआ था तो ये पंखे चल रहे हैं, बिजली बोल रहा हूँ मैं, माइक पे बोल रहा हूँ। आज़ाद हुआ तो सुई नहीं बनती थी देश के अंदर, आज़ाद हुआ तो बिजली क्या होती है लोग नहीं समझते थे गाँव के अंदर, बिजली क्या होती है आप कल्पना करो, वहाँ से शुरुआत करी देश ने। 33 करोड़ देवी देवता थे उस वक्त में, आज 130 करोड़ देवी देवता विराजते हैं देश के अंदर। आबादी इतनी बढ़ गई है देश की, सड़कों का जाल बिछाना है, स्कूलों का जाल बिछाना है, PHC CHC अस्पतालों का जाल बिछाना है, सड़कों का जाल बिछाना है। आज दिशा क्या था उस जमाने के अंदर, गुजरात क्या था, देश क्या था, किस प्रकार घूमना किया जा रहा है लोगों को, जो कुछ हुआ 70 साल में हुआ है। आलोचना करो, कोई गलती हुई है आलोचना करो, आपका हक है, तो कम से कम हमारे देश का जो गर्व है दुनिया के अंदर उसको बढ़ाओ। बाहर के मुल्कों में जाकर के मोदी जी बुरे ही करते, 70 साल में हमारे मुल्क में कुछ नहीं हुआ था, अब मैं कहने लगा हूँ। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने बाहर के मुल्कों की धरती पर जाकर के अपने मुल्क की बुराई नहीं की हो, पिछली सरकार ने कुछ भी नहीं किया, ऐसा आज तक मैंने कभी देखा नहीं। 45 साल में राजनीति कर रहा हूँ, 5 बार मैं MP रहा हूँ, 3 बार केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, 3 बार मैं चीफ मिनिस्टर बन गया हूँ, 3री बार, और कभी मैंने नहीं देखा कि ये मैं सुनूं कि प्रधानमंत्री बाहर जाके मुल्कों में बड़ी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, पब्लिक मीटिंग है, कोई MBC के थ्रू MBC के दुरुपयोग करके कर रहे हैं, ऐसे काम चलेगा? ये डिक्टेटरशिप है, ये तानाशाही रवैया है, ये कोई लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में वो होता है हर चीज़ में लोग क्या कहेंगे, अगर मैं काम कर रहा हूँ फैसला कर रहा हूँ तो ऐसा फैसला नहीं हो रहा कि लोग क्या कहेंगे मुझे, ये डर और भय सताता लोगों का वो लोकतंत्र होता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। अकाल पड़ा हुआ आपके यहाँ भी कई तहसीलों में, चारे के डिपो खुले, गायों के कैंप लगे, करते हैं आज तक हम लोग, अभी उन्होंने बंदिश लगा दी है लघु सीमांत किसान की कर दी है। राजस्थान में प्रॉब्लम आ रही है, 9 जिलों में अकाल है वहाँ पर भी, हम लोग लगे हुए इस काम में, आप निश्चिंत रहो। पिछली बार भी सरकार जो बन तो गई इनकी, तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा गोवा भाई को, आपने कामयाब नहीं हो पाई यहाँ से, परंतु पूरे गुजरात ने जो साथ दिया हमारा हम भूल नहीं सकते। ऐसी स्थिति कर दी मोदी जी की और अमित शाह जी की, उनकी जीत जीतनी मानी गई मुल्क के अंदर और हमारी हार नहीं मानी गई, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको। इसलिए जो कचर हो गई है विधानसभा चुनाव में, एक मौका है विधान लोकसभा चुनाव में, उस कसर को पूरी करो। पूरे देश को मैसेज जाएगा गुजरात क्या चाहता है, और गुजरात के अंदर आप देखिए मोदी जी लंबे अरसे से उन्हें कथनी में करने में अंतर है, नीति बनी देख नहीं है, चुनाव जीतने के लिए पानी में जहर उतार दिया वो मोदी जी है। मोदी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये भावना लोगों के अंदर है, जुमले बोल सकते हैं। OBC की बात करने लगे, मैं OBC का हूँ खुद, पर मैं छत्तीसगढ़ कौम का हूँ तब मैं मुख्यमंत्री हूँ। मेरी जाति का 100 में से राजस्थान की असेंबली में अकेला मैं मेंबर हूँ, मेरी जाति का अकेला हूँ मैं, कोई मुख्यमंत्री हूँ, इसको कहते हैं लोकतंत्र, इसको कहते हैं लोकतंत्र है। ये नहीं कि मैं OBC का हूँ और मुझे बुरा भला कह रहे राहुल गांधी और मुझ पर आरोप लगा दिए, OBC पूरी कौम को बदनाम कर दिया, नीचा दिखा दिया, ये कोई बात हुई क्या? प्रधानमंत्री जब बोलते हैं ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिससे कि लोगों के दिलों को छूने वाली हो, वो होता प्रधानमंत्री का भाषण। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं वो तो आप देख ही रहे हो, तो कृपा करके मैं अपील करूंगा आपको कि आपके जगदीश ठाकुर तो उम्मीदवार पाटन से हैं,
प्रदीप भाई पटेल बटोल साहब, कांग्रेस ने सबकी सलाह से इनको टिकट दिया है। आप सबका आशीर्वाद मिले, आप सब मिलकर के इनको कामयाब करें। एक एक वोट की जरूरत दिल्ली के अंदर है कांग्रेस को, देश हित के अंदर है। आज देश को कांग्रेस की जरूरत है। जो शासन देख लिया, लोग समझ गए कांग्रेस वाले शासन करना जानते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने को देख रहे हैं, इंदिरा जी को देखा, राजीव गांधी को देखा, नरसिम्हा जी को देखा, पंडित नेहरू को देखा होगा आप लोगों ने। तो कांग्रेस जानती है कैसे शासन करते हैं, कैसे छत्तीसगढ़ को साथ लेते हैं, सभी धर्म सभी जाति सभी वर्ग के लोगों को, तब ये मुल्क एक वक्त अखंड रहता है जो रखा गया है, लोकतंत्र कायम रखा गया है। पाकिस्तान में कई बार सैनिकों का शासन हो गया, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को जेल में भेज देते वहाँ पर। जुल्फिकार अली भुट्टो जी थे, फांसी में चढ़ा दिया वहाँ पर। पाकिस्तान में हिंदुस्तान में राजनीति का फर्क है। पाकिस्तान क्या चीज़ है हिंदुस्तान के सामने, और पाकिस्तान का डर बता के चुनाव जीतना चाहते हैं मोदी जी, बताइए आप। हिंदुस्तान के लोगों में दमखम है, एकता है, सब लोग एकजुट होकर के सेना का मनोबल को बढ़ाते आए हैं आज तक, उसको लेकर राजनीति हो रही है। और योगी जी महाराज जो यूपी के सीएम क्या कहते हैं, आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को, ये मोदी जी की सेना है। अरे पाकिस्तान पर रहने दो ये बातों को, हिंदुस्तान की बातें नहीं आनी चाहिए। सेना अपना काम करे, देश की रक्षा करे, राजनीति अपनी जगह काम करे, राजनेता लोग करे, आप लोग करो, कार्यकर्ता हो, MLA हो, MP हो, पंच हो, सरपंच हो, पंचायतों में शासन सब मिलके करते हैं लोकतंत्र के अंदर, सेना की कोई दखल नहीं होता है। योगी जी कहते हैं मोदी जी की सेना है, इसका बहुत रिएक्शन देश के अंदर। इसलिए मैं यही कह के आपको मैं आह्वान करूँगा कि भाई कोई कमी मत रखना, वोट एक एक बहुत कीमती होता है, आप लोग मिलकर के भारी मतदान करें। प्रदीप भाई बटोल को और जगदीश ठाकुर को आप कामयाब करें, ये बात कहने के लिए मैं आया हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। खूब खूब आभार साहेब। हवे अपना केटलाक मित्रों साहेब कांग्रेसमां जोड़ावा मांगे छे, तो हूँ जेना नाम बोलूँ ए अहीं आवशे। कया नाम शू छे बोलावो? ધાડો વાળા મિત્રો અહીંયા આવી જાય, ધાડો સરપંચ વગેરે ઝડપથી અહીંયા આવી જાય।